ये गया सीक्रेट इंग्रेडिएंट राजमा में, जिससे जो राजमा है बहुत ही टेस्टी बन जाता है। मैंने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात की थी वो थी कि जब राजमा आपके पूरे तरह रेडी हो जाते हैं तो एंड में, सबसे एंड में आपको एक या डेढ़ चम्मच अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जो है अमचूर ऐड करना है। तो आपके जो राजमा है बहुत ही यमी बनेगी, यमी टेस्टी होते हैं। ये है मेरा आज का लंच, राजमा विद मटर चावल, पंजाबी खाना प्योर। ये तो निकालता हूँ से। ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? मटर निकाल रहे हो। क्यों, मटर क्यों निकाल देते हो? निकाल देता हूँ मैं, टेस्टी नहीं लगते। टेस्टी नहीं लगते? वीडियो डाल के ब्लॉगिंग में तो नहीं डालने वाले? मुझे पता है ब्लॉग में तो नहीं डालने वाले ना। जैसे ना, कैसा बना? टेस्टी बना। टेस्टी बना जी। मटर तो सारे निकाल दिए आपने, टेस्टी नहीं लगते। हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं अपने इस चैनल पे होम डेकोर, होम स्टाइलिंग और होम इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग जो भी व्लॉग्स डालूंगी, तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस घर बनाने में हमने किसी भी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर की कोई हेल्प नहीं ली है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो हम कर रहे हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे करेंगे और करते रहेंगे। और इसमें जो जस्ट हमने मैप रेडी करवाया था, मैप में भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन हमने खुद की कि हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें चाहिए, ना कि हमने चीज़ों के हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, घर जो है आपको कैसे कंफर्टेबल रहता है वो आप ही जानते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं जानता। आपके ड्रीम्स को जो आप खुद ही सच कर सकते हो, कोई दूसरा बंदा सच नहीं कर सकता है। और बात है अफोर्डेबिलिटी और अनअफोर्डेबिलिटी, तो अफोर्डेबिलिटी तो जो अफोर्डेबिलिटी है किसी भी चीज़ की, वो तो एक सोच की दूरी पर है। कोई भी चीज़ आप लाइफ में सोच लो कि ये मुझे चाहिए, तो वो किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आप कितनी पावर डालते हो, उतनी पावर से ही वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। सबसे पहला बात तो ये है कि थॉट, आपके थॉट्स कैसे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हमने ये घर बनाया तो हमने अपने सपनों के हिसाब से बनाया कि हमें कैसा घर चाहिए। अपने सपनों के हिसाब से चीज़ें हमने सर्च की कि ऐसी चीज़ जो है हमें चाहिए, और वो मिलेगी कहाँ पे, उसको सर्च किया। काफ़ी लंबा टाइम लगा, ये सारे काम एक दिन में नहीं हो जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। और इस घर में सुपरवाइज़र बनाने में सुपरवाइज़र भी कोई नहीं था, सुपरविज़न भी हमने खुद ही की है। जस्ट कॉन्ट्रैक्टर था जो लेबरर्स वगैरह वर्क काम करने वाले उनको ही कंट्रोल कर रहा था, बाकी सारे काम हम दोनों ने खुद किए हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम पार्टीशंस, जैसे कि किचन और डाइनिंग का पार्टीशन, या लॉबी और ड्राइंग एरिया का पार्टीशन, लिविंग रूम और ड्राइंग एरिया का पार्टीशन, हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं।
मोस्टली हमने देखा है कि सीएनसी कटिंग ज़्यादातर देखी है, ज़्यादातर फ्लैट्स में या जो भी न्यू विलास हैं उनमें जो सीएनसी कटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है पार्टीशंस करने के लिए या यूज़ किए जाते हैं वुडन पिलर्स। ये कॉमन चीज़ है जो कि पार्टीशन के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन हमने थोड़ी डिफरेंट, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि सपनों के हिसाब से हम अपना घर धीरे धीरे करके जो डेकोरेट कर रहे हैं, हमने जो कि पार्टीशन की है ड्राइंग रूम और लॉबी एरिया की, वो पार्टीशन की हमने ग्लास पिलर्स की, बहुत रेयर देखने को मिलती है। और मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसे हैं पिलर्स। ये पूरे ग्लास पिलर्स हैं, ग्लास के बने हुए हैं। ये जो अंदर आप देख रहे हो ये बबल्स टाइप है जो कि चमक रहे हैं। ये चमक इसलिए रहे हैं क्योंकि एक तो हर एक पिलर के नीचे जो एक एक फोकस लाइट लगी हुई है और ऊपर भी जो है फोकस लाइट्स लगी हुई हैं। मिड तक ऊपर वाली लाइट्स जो मिड तक इसको पूरा इल्यूमिनेट कर देती हैं और नीचे वाली भी नीचे से मिड तक कर देती हैं, यानी दोनों तरफ जो लाइट्स लगानी पड़ती हैं। एक पिलर का जो वेट है वो है 85 kg और इसकी जो लेंथ है वो है 8 feet। 8 feet है एक पिलर की लेंथ। इसके नीचे जो है फोकस लाइट्स आप हम कैसे हमने सेट की हैं, वुड के बॉक्स बना के नीचे आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉ टाइप बन गया जिसके ऊपर जो है लाइट्स फिट हो गई। क्योंकि अगर हम लाइट्स सीधे पिलर्स के नीचे रखते तो लाइट्स टूट सकती थी, ठीक है, इतना हैवी वेट है ये पिलर्स। ये ड्रॉर्स वाला जो ड्रॉर वाला ऑप्शन है ये हमने इसलिए भी चुना क्योंकि अगर इन फ्यूचर जो लाइट्स जो हो जाती हैं खराब हो जाती हैं तो हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये नीचे फिक्स्ड होती, उसके पिलर के नीचे फिक्स्ड होती तो पिलर को उठा के जो है चेंज नहीं कर सकते थे हम इन फ्यूचर जो लाइट्स हैं, इसलिए हमें ये ऑप्शन हमने चूज़ किया। ये पिलर्स इतने ज़्यादा हैवी हैं तो इनको होल्ड करने के लिए भी जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए था, तो नीचे भी जो वुड के बॉक्सेस बनाए गए हैं प्रॉपर जिनमें वो अच्छी तरह होल्ड हो सके और ऊपर भी जो है वुड के बॉक्स जो है बनाए गए हैं, ऊपर जो माइका यूज़ किया गया है। जो ये ब्रेथ है ये है 1.5 feet। 1.5 feet में जस्ट दो पिलर्स ही इंस्टॉल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इंस्टॉल हो सकते। अगर ज़्यादा इंस्टॉल करते तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता, तो इतने स्पेस में दो दो पिलर्स हमने दोनों साइड्स में इंस्टॉल किए। और हर एक जो पिलर है उसकी प्राइस है 8200 पर पीस। ये जो कटिंग है ये इन पिलर्स से बची हुई कटिंग है, इससे भी हम फर्दर कोई इन फ्यूचर जो डिज़ाइन करेंगे, जो भी डिज़ाइन हम करेंगे वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। और इन पिलर्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं था, जो भी ड्रॉर्स का सिस्टम नीचे भी कैसे ये लाइट्स लगानी है सारा जो आइडियाज़ है ये मेरे हस्बैंड के थे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं अवेलेबल थे। तो आप सोचोगे आप कैसे एरिया में रहते हो कि आपको एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, तो हम रह रहे हैं लुधियाना में, द स्मार्ट सिटी लुधियाना में, यहाँ पे भी एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं थे। तो उन जो इंस्टॉल करने आए थे तो उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड रिस्क लेने के लिए रेडी थे, उनको ये पिलर्स अपने घर में चाहिए ही चाहिए थे। सारी कटिंग जो है ग्लास पिलर्स की घर पे ही हुई है और हम सोच सकते हैं कि पार्टीशन जो है इनसे भी किया जा सकता है अपने घर में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें थोड़ी आम देखने में मिल जाती हैं लेकिन ये बहुत रेयर है, नॉर्मली आपको ये पार्टीशंस देखने के लिए नहीं मिलेंगी। शाम के हो चुके हैं 7:30, तो मैं बच्चों को देने जा रही हूँ पपाया और उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो आज मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।